आज का भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत, आज का आत्मनिर्भर भारत, आज का भारत जिसमें हर प्रकार से हर चुनौती का सामना करने की ताकत है, ऐसे भारत को कोई प्रेशर कर नहीं सकता। किसी प्रकार के प्रेशर में भारत निर्णय नहीं लेता है। आजकल भारत देश हित में, जनहित में, हमारे गरीबों के हित में, हमारे किसानों के हित में, हमारे युवा युवतियों के, नौजवानों के हित में, और साथ ही साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सामने रखते हुए पूरे विश्व के हित में जो फैसले हैं उसके साथ चलेगा और उसको मंजूरी देगा। आज से लगभग 25-30 साल पहले, WTO शुरू होने के पहले, उरुग्वे राउंड पर वार्तालाप हुई, चर्चाएं हुई, और विकसित देशों ने जो एक तरफा करार किया और विकसित देशों ने अपने कृषि क्षेत्र के लोग, अपने किसानों को तो संभाल लिया, उनकी सब जरूरतों की चिंता कर ली, पर विकासशील देश, कमजोर देशों को एक प्रकार से रॉ डील उस समय मिली, और उसके कारण वर्षों तक विकसित देश बड़ी संख्या में अपने किसानों को समर्थन दे पाती है और कोशिश करती है कि बाकी देशों के ऊपर भी सब्सिडीज के ऊपर रोक लगाई जाए। भारत एक ऐसा देश है जो लगातार अपने किसानों के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए लड़ता रहा है WTO में। भारत ने बहुत मजबूती से आज बात रखी है कि इस पीस क्लॉज को, या जो ये पब्लिक स्टॉक होल्डिंग अलाउ होती है, इसको परमानेंटली अलाउ कर दिया जाए। ये सिर्फ मात्र एक टेम्पररी मेजर के बदले इसको WTO के कानूनों के अंदर ही लाया जाए, उस विषय में हमने आज बात रखी है। अलग अलग बायलैटरल्स में भी ये बात रखी है। एक प्रस्ताव आया है WTO चेयर की तरफ से कि इसको एक वर्क प्रोग्राम में डाला जाए, अलग अलग विषय जो कृषि क्षेत्र के साथ जुड़े हैं उसके ऊपर और तीव्रता से चर्चा करके कुछ निर्णय लिया जाए। इस प्रकार से कई सारे बातें चल रही हैं, लेकिन भारत अपने किसानों के लिए, अपने खाद्य सुरक्षा के लिए, गरीबों के लिए पूरी तरीके से तत्पर है, पूरी तरीके से यहाँ पे संघर्ष कर रहा है, और मैं आपके माध्यम से सबको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि भारत के लिए जो प्राथमिकता है वो है कि हमारे गरीबों को, हमारे किसानों को किसी भी प्रकार की ठेस ना पहुँचे।